राजस्थान रॉयल्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के लिए दोस्त आपको जीएल टीम बताऊंगा जिससे आपका एक रैंक आएगा ही आएगा, और किसको वाइस कैप्टन बनाना है, किसको कैप्टन बनाना है, इससे आपका जो है रैंक एक आएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को एंड तक देखिएगा तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों विकेट कीपर में आपको जो है दोस्तों देखिए किसको सेलेक्ट करना, जिसको मैं बता रहा हूँ इसको सेलेक्ट करना दोस्तों 100% आपको पॉइंट देकर जाएगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों जॉस बटलर इसके पहले बैच में नहीं चले थे लेकिन अब की बार चलेंगे, तो इसलिए आपको इनको जो है वो लेना ही लेना है, क्योंकि जॉस बटलर अब की मैच में 100% रन मारेंगे दोस्तों। और आपको क्या करना है कि थोड़ा सा नीचे की तरफ यहाँ पे आ जाना है, और देखिए दोस्तों यहाँ पे संजू सैमसन का रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा है, इसके पहले मैच में भी मारे थे, तो इनको भी आपको लेना है। और दोस्तों संजू सैमसन को यहाँ पे छोड़ के आपको ऋषभ पंत को जो है वो यहाँ पे नहीं लेना है, क्योंकि यह खिलाड़ी जो है वो पिछले मैच में भी नहीं चला था, अब की बार भी नहीं चला है, क्योंकि इस पिच पर जो है यहाँ पे मैच हो रहा है उस पर इसका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। साई होप को आपको जरूर जरूर लेना है, क्योंकि ये आपके मैच में जो है बहुत अच्छा आपको पॉइंट देकर जाएंगे। बात कर लेते हैं बैटर की, तो डेविड वार्नर काफ़ी अच्छा विकल्प है बैटर लेने के लिए, आप बैटर डेविड वार्नर को ले सकते हो। यशस्वी जायसवाल को दोस्तों आपको जरूर जरूर लेना है, क्योंकि अगर ये बंदा जो है रन मारता है ना, तो आपको 100% पॉइंट इस मैच में आपको देकर ही जाएगा, क्योंकि इस पिच पर इसका जो है काफी अच्छा रिकॉर्ड है, स्ट्राइक रेट भी बहुत ही अच्छा है। दोस्तों बात कर लेते हैं दोस्तों ऑलराउंडर में आपको जो है ऑलराउंडर में किसको लेना है, तो दोस्तों ऑलराउंडर में आपको मिचेल मार्श को जरूर जरूर लेना है, क्योंकि मिचेल मार्श आज के मैच में विकेट भी लेगा दोस्तों, और कैच भी पकड़ेगा एंड रन भी मारेगा, क्योंकि ये ऑलराउंडर है, इसलिए आपको मिचेल मार्श को जरूर जरूर लेना है। मिचेल मार्श के जो आपको लेना है, उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि अक्षर पटेल है, इनको भी आपको लेना है, क्योंकि आज जो है वो दिल्ली कैपिटल्स की बहुत जल्दी विकेट गिरने वाली है, इसलिए आपको अक्षर पटेल को ले लेना है दोस्तों। और दोस्तों आपको रियान पराग दिख रहे हैं, उनको भी आपको लेना है, क्योंकि रियान पराग इसके पिछले मैच में भी अच्छे खासे पॉइंट देकर गए थे, तो इनको लेना है। रविचंद्रन अश्विन को नहीं लेना है। बात कर लेते हैं कि बॉलर में आपको किसको लेना है यहाँ पे, तो बॉलर में आपको जो है वो यहाँ पे बॉलर में दोस्तों आपको युजवेंद्र चहल, ट्रेंट बोल्ट, कुलदीप यादव यहाँ पे हो गए, आवेश खान, दोस्तों आपको जो है वो यहाँ पे ट्रेंट बोल्ट को लेना है, ठीक है। युजवेंद्र चहल को आपको नहीं लेना है, आपको किसको लेना है, तो आपको ट्रेंट बोल्ट को लेना है, क्योंकि ये इस पिच पर जो है वो फास्टिंग पिच है, पेसर्स पिच है, जिसके चलते इस पर जो है यहाँ पे आपको यहाँ पे ट्रेंट बोल्ट भी कर लेते नजर आएंगे इस मैच में, तो आपको ट्रेंट बोल्ट को लेना है। साथ ही साथ कुलदीप यादव को भी लेना है, क्योंकि ये स्पिनर के भी बहुत अच्छा यहाँ पे पिच पर विकेट जो है वो आता है स्पिनर के लिए भी, तो आपको यहाँ पे कुलदीप यादव को भी लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा नीचे करना, और दोस्तों यहाँ पे आपको देखेंगे संदीप शर्मा को दोस्तों आपको जरूर जरूर लेना है, क्योंकि ये बंदा इस मैच में जो है विकेट 100% निकालेगा, तो संदीप शर्मा को दोस्तों आपको लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट कर देना है, यानी अब आपको बारी आती है कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाने की, यानी मेन खेला अभी बाकी है दोस्तों। तो आपको यहाँ पे कैप्टन और वाइस कैप्टन किसे बनाना है, चलिए दोस्तों आपको बता देते हैं। तो दोस्तों आपको जो है कैप्टन संजू सैमसन को नहीं बनाना है, क्योंकि संजू सैमसन जो है वो इस मैच में हो सकता है नहीं चले, इसलिए आपको कैप्टन नहीं बनाना है संजू सैमसन को। कैप्टन आपको बनाना है डेविड वार्नर को, ठीक है, कि डेविड वार्नर यहाँ पे आपको कैप्टन बना देना है। और वीसी किसको बनाना है, वीसी आपको जो है मिचेल मार्श को बनाना है, एक ही टीम से आपको बनाना है। जैसे कि दोस्तों कल की मैच में दोस्तों आप जानते हैं ट्रेविस हेड और जो है वो एडन मार्करम और क्लासन ने किस तरह जो है वो बल्ला खोला था, यानी एक टीम से आपको यहाँ पे इसमें बना देना है दोस्तों। और दोस्तों कल जो है मैच था उसका जो है आप अभी तक प्लेइंग इलेवन नहीं देखें और कुछ भी नई वीडियो देखे तो इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक जाकर देख लीजिए दोस्तों, और ऐसे वीडियो देखने के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।